नवी मुंबई पुलिस ने ड्रग्स विरोधी मुहिम को अधिक तीव्रता के साथ चलाते हुए नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए वाशी के विष्णुदास भवन नाट्यगृह में ड्रग्स विरोधी जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थी, अभिभावक और युवा वर्ग बड़ी संख्या में मौजूद रहे, इसीलिए पुलिस ने जनजागृति पर नाटक का आयोजन किया। इस समय की गरज है, इस समय की जरूरत है इसकी, बिकॉज जैसा बताया गया इस में अभी अगर ऐसा देखा जाए तो नवी मुंबई में प्रॉब्लम बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन यहाँ के पुलिस को प्रोएक्टिव होकर के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार ये समस्या अगर जड़ पकड़ ले तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे प्रेडिसेसर जो पुराने सीपी साहब थे, उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उस श्रृंखला में ये तीसरा कार्यक्रम है, एक बहुत अच्छा उपक्रम है, ऐसे और कार्यक्रम होने चाहिए। इस मौके पर ड्रग्स विरोधी काम करने वाले यूसुफ मर्चेंट ने युवकों का मार्गदर्शन कर अभिभावकों को अपने बच्चों से दोस्ताना रिश्ता रखने की जरूरत है ये बात कही। पेरेंट्स बनने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सेक्सुअली प्रोडक्टिव ऑर्गन है तो आप पेरेंट बन जाते हो। तो आई थिंक द फर्स्ट सोसाइटी को कुछ करना चाहिए, जहाँ पेरेंट्स को टीच करना चाहिए कि हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। एक तो वो उन लोग कर सकते हैं, बच्चे लोग का तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बी स्मार्ट या डोंट स्टार्ट, वो एक बार स्टार्ट होगा तो बंद होने वाला है नहीं। ड्रग्स को लेके कानून सख्त होंगे तो ही भारत में ड्रग्स का काला धंधा पनप नहीं पाएगा, ये बात यूसुफ मर्चेंट ने कही। हमारा कानून जो है NDPS एक्ट जो है वो आई थिंक बेस्ट कानून इन द वर्ल्ड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट नहीं है ना, कानून बेस्ट है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बेस्ट नहीं है। इस मौके पर पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन, उपायुक्त सुरेश मेंगड़े, शाहजुमा और कई पुलिस अधिकारी, नगर सेवक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का पूरा संयोजन APMC पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माया मोरे ने किया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणित कापसे के साथ शेखर हम्प्रस की रिपोर्ट।